हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ देखिए एक जेड प्लांट लेकर आई हूँ जो कि मेरा बोनसाई सर लोग इसका बन गया है काफ़ी अच्छे से, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने इसकी पिंचिंग और प्रूनिंग नहीं करी है तो थोड़ा सा देखिए गैप गैप से देखने लगा। नहीं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा ये प्लांट था, अभी भी अच्छा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। ये पीछे साइड से थोड़ा खाली खाली से देखने लगा क्योंकि दीवार के किनारे से मैंने रख दिया था। इसको बीचों बीच रखना चाहिए ताकि इसके जो ब्रांचेस हैं बिल्कुल बराबर से डेवलप हो, तो इस कंडीशन में ये इस तरह से हो गया है। बाकी सामने से बहुत अच्छा है, तो इसकी मैं प्रूनिंग करने वाली हूँ। बोनसाई प्लांट को आप धीरे धीरे इसी तरह से ट्रीट करके एक सिंपल से तरीके से आप बोनसाई बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा। तो देखिए इसके आज हम ट्रिमिंग करने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करने वाले हैं। कटिंग को भी आप लगा सकते हैं इस टाइम पे अभी बहुत अच्छे से। तो ऊपर ऊपर की टिप यहाँ से देखिए, जहाँ से दो दो ब्रांच आपको दिख रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी प्रून कर सकते हैं और नहीं तो इस तरह से इसकी जो ट्रिमिंग है वो आप करते रहेंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा घना रहेगा। एक हमको शेप देनी है, मतलब कि ऐसी शेप देनी है कि ये बिल्कुल राउंड शेप में हमारा प्लांट तैयार हो, तो उसी तरह का शेप मैं इसमें दे रही हूँ। और टाइम टाइम से आप प्रूनिंग करते रहेंगे ना तो ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा सुंदर और घने हो जाते हैं, नहीं तो ये ऐसी लंबी लंबी ब्रांच इनकी बढ़ जाएंगे और जिनकी ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी फिर। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए इधर से सब जगह से ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रूनिंग करेंगे उतना ही अच्छा ये शेप में आएगा। तो देखिए इधर से हमने थोड़ा सा इसको शेप दे दिया है और इधर थोड़ी जो ज़्यादा बड़े दिख रही हैं आपको ब्रांच उनको भी आप कट कर दीजिए। एक अच्छा शेप देने के लिए इसकी पिंचिंग ज़रूरी है, आप चाहे तो हाथ से पिंच करते रह कीजिए। जैसे ऊपर ऊपर की टिप होती है इतनी टिप को हमको इस तरह से पिंच कर देना होता है, तो इसको हम पिंच करते रहते हैं इस तरह से। देखिए जो ब्रांच ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं, तो उनको हम इस तरह से पिंच करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इनकी पिंचिंग हम जब करते रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा देखिए शेप में आ गया है और ज़्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ी है। पर काफ़ी टाइम से मैंने इसको कट नहीं किया था बिल्कुल भी, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया। और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए कटिंग ज़रूरी होती है, इसकी पिंचिंग ज़रूरी होती है, तो वो आप हाथ से भी इस तरह से कर सकते हैं। हाथ से और ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा कि हमको कहाँ से इसको पिंच करना है। देखिए सारी ब्रांच जितने भी जिनमें दो दो पत्तियाँ चार चार पत्तियाँ हो गई हैं उनको आपको फिर से ऊपर से पिंच कर देना है, तो वहाँ से दो दो ब्रांच निकल करके आती हैं और हमारा प्लांट धीरे धीरे और ज़्यादा घना हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, तो ये आपको करते रहना है टाइम टू टाइम, ये रेगुलर बेसिस पे करना है आपको। लगभग हर 15 दिन में आप इसकी पिंचिंग करते रहिए तो आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना होता है। मैंने इस प्लांट को इसी तरह से देखिए एक ट्री के शेप में बनाया है और नीचे से जो भी ब्रांच डेवलप हो रही हों उनको आप हटा दीजिए, इस तरह से रिमूव कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से इनको हटाते रहिए, इनको नहीं बढ़ने देना है आपको, तो आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा। कुछ भी वायरिंग वगैरह कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि अपने आप में परफेक्ट बोनसाई लुक अपने आप ही बन जाएगा बस सिर्फ पिंचिंग करने से। तो छोटी सी कटिंग लगा करके आप प्लांट को तैयार कर सकते हैं और उसको इसी तरह से पिंच कर करके आप उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बोनसाई बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा भी प्लांट शेप में आ गया है, जो छोटी छोटी बची हैं इन सबकी मैं इस तरह से पिंचिंग कर दूंगी क्योंकि सीजर से कट करने में ज़्यादा कट हो जाएगा और जिनको मुझे सबको पिंच करना है सभी ब्रांच को, ये देखिए सब शेप में लाना है। और आप इस समय ये भी ध्यान रखिए थोड़ा मिलीबग का अटैक होता है प्लांट में, तो आप उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। और अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसमें थोड़ी सी बोन मिल
और 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट, 1-2 चम्मच नीम खली और थोड़ी सी चाय की पत्ती, इतना फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करानी है आपको प्लांट की, तो आप ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। बोन मिल और नीम खली तो ज़रूर दीजिए, वर्मी कंपोस्ट भी थोड़ा सा दीजिए ताकि ये अच्छी ग्रोथ कर सके। और ये देखिए लंबे लंबे से जो ब्रांचेस हो रहे हैं उन सबको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, तो ये क्या प्लांट को भरता रहेगा, नहीं तो ये अंदर से खाली होता जाएगा प्लांट, ऊपर ऊपर लंबी ब्रांच हो जाएंगी, प्लांट हमारा खाली दिखने लगेगा, उतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं करेगा फिर। तो ये हमेशा ही आपको करना है। ये देखिए, अब देखिए इसकी शेप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये देखिए कितना प्यारा सा दिखने लगा है ना, थोड़ी सी प्रूनिंग करने पर ही। तो आपको भी यही कर लेना है ताकि आपका प्लांट बिल्कुल शेप में रहे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो जो भी आपको ब्रांचेस बड़ी लग रही हैं, जो भी एक्स्ट्रा लग रही हैं, आप उनको इस तरह से कट कर दीजिए और फिर प्लांट को अच्छी शेप दे दीजिए। इसी तरह से देखिए ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इसके तो और ज़्यादा लंबी हो गई हैं ब्रांचेस, तो इसको भी हम प्रून कर लेंगे और इसको भी हमको इसी तरह के लुक में बनाना है। इसमें हमारी 2 कटिंग एक साथ लगी हुई है और दोनों को मैं इसी तरह से बिल्कुल बॉल की शेप में कट करने वाली हूँ। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे इसको ताकि पूरा शेप में रहे प्लांट हमारा और काफ़ी अच्छी ये ग्रोथ भी कर सके। फिर चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ, सेम उसी तरीके से कट करना है। आप चाहे तो हाथ से कट कर सकते हैं, लेकिन जो मोटी ज़्यादा ब्रांचेस हैं उनको आपको सीजर से ही कट करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से, और आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए एक मिली बग लगा हुआ है, इसमें मिली बग का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी नहीं, तो आपका प्लांट धीरे धीरे पूरा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ की कटिंग निकल रही है, तो ये सारी कटिंग भी मैं ग्रो कर दूँगी। तो ये देखिए इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी और देखिए इसका कितना खूबसूरत सा लुक दिख रहा है, बिल्कुल बॉल की शेप में दिख रहा है ना। और ये देखिए ये थोड़ा सा बीच बीच में हमें खाली दिख रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी इधर की ब्रांच हो गई थी, और इस लेवल पे अगर मैं कट करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा प्रून हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको बस इतना ही कट किया। इतनी सारी कटिंग देखिए निकली हुई है, जो बड़ी बड़ी हैं उनको मैं लगा दूँगी। तो कटिंग आपको किस तरह से लगानी, देखिए नीचे की पत्तियाँ आप हटा लीजिए इस तरह से, और सैंड लीजिए, सैंड या फिर कोकोपीट भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, और इस तरह से कटिंग को लगा देना है। तो छोटी बड़ी कटिंग जो 2-2 पत्तियां हैं, मतलब 4 पत्तियां हैं जिनमें, वो भी कटिंग हमारी ग्रो हो जाती है। नीचे की चाहे तो कुछ पत्तियां आप और हटा दीजिए, जैसे बिग साइज़ की पत्तियां हैं इनको आप हटा दीजिए इस तरह से। देखिए इनको वेस्ट मत करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लांट तैयार हो जाता है। मैं आपको अभी दिखाऊँगी किस तरह से मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं। तो छोटी से छोटी कटिंग देखिए, इतनी छोटी सी कटिंग भी ग्रो हो जाती है, इतनी छोटी सी भी। तो आप हर कटिंग को लगा दिया करिए इसी तरह से और प्रूनिंग करते रहिए बीच बीच में, ताकि आपका प्लांट काफ़ी अच्छा बूसी बने और खूबसूरत सा हो। तो जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसके कई शेप बनाए जा सकते हैं, और तरह तरह की टोपियारी इसकी तैयार की जा सकती है। तो आप इनको इस तरह से ग्रो करते रहिए और देखिए आने वाले लगभग 1 महीने में ये भी कटिंग हमारी ग्रो हो जाएगी। हम इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे और लगा देंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ टाइम पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी, इसमें 5-6 कटिंग लगी हुई हैं और इसी तरह से लगा दी थी। ये देखिए तो इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक लेगा। और इसकी भी हम प्रूनिंग करते जाएंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा घना सा एकदम ब्यूटीफुल सा प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। इसको आप चाहे कोई सी शेप भी दे सकते हैं, जैसे हम मोर की शेप में बनाते हैं, या तो फिर बहुत ही अच्छा है इसके जो ये फ्रिल इस तरह से, ये मतलब इसके पंख बनाए जा सकते हैं इस साइड से पकड़ के हम इसका मुंह बना सकते हैं यहाँ से आने वाले समय में। तो मैं देखूँगी, इसको ट्राई करके देखूँगी, अगर मैं ऐसा कुछ कर पाई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर भी देखिए लगाई हुई है, जगह न होने की वजह से जहाँ होता है वहीं पर लगा देती हूँ। यहाँ पर देखिए कितनी सारी कटिंग लगाई थी, ज़्यादा बारिश की वजह से देखिए इसकी थोड़ी सी ब्रांच गल भी गई हैं पत्तियाँ। और अभी कुछ टाइम पहले, बिल्कुल अभी हाल ही में लगाई थी जो कटिंग, लगभग 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले। ये देखिए सारी कटिंग इसी तरह छोटी छोटी मैंने कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में लगा दी थी, और देखिए कितनी अच्छी है, एक एक कटिंग कितनी हेल्दी हुई है। ये देखिए तो आप इस तरह से कटिंग को वेस्ट मत करिए, इनको आप लगा दिया करिए तो आपके प्लांट बिल्कुल नए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए बॉल शेप में मैंने दोनों अपने
जेट प्लांट को तैयार किया। आपको इसका ट्रंक भी दिखा दूँ। स्टेम जो है देखिए कितनी थीक और मोटी हो चुकी है, और इसको हम बोनसाई पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर बोनसाई में नहीं लगाना चाहते, इसमें अच्छे इसको एनर्जी मिलती है और अच्छे से प्लांट हेल्दी रहता है, तो आप ऐसे पॉट में भी इनको लगा कर रख सकते हैं। इनको रखने में भी आसानी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लैट गमले में हम लगा देंगे तो इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा और ये उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो मुझे एकदम से इतना परफेक्ट बोनसाई नहीं बनाना है, मुझे प्लांट हेल्दी चाहिए और सुंदर दिखना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो मैंने इनको अभी 8 इंच के गमलों में लगा के रखा है। आने वाले समय में देखूंगी मेरे पास ओवल शेप के पॉट हैं कुछ, अगर हो सकेगा मन किया, क्योंकि क्या होता है इनमें जगह कम लगती है, अगर मैं उन पॉट में इसको लगा दूंगी तो उससे जगह ज़्यादा घेराएगी और जो मेरे गार्डन में है नहीं। एक देखिए मेरे पास ये मधुकामनी का प्लांट है, लगभग 1 साल पुराना हो चुका है ये प्लांट और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एक ट्री की शेप में ये देखिए, इसके रूट देखिए आप, और नीचे से ही इतना ज़्यादा घना है। इसको मैं सोच रही नीचे से थोड़ी प्रूनिंग कर दूँ इसकी, तो इसकी ब्रांच दिखने लगे नीचे से, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, एक बिल्कुल बॉल की शेप में। इसको प्रूनिंग करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं पड़ती है, आप चाहे तो कर सकते हैं थोड़ी बहुत प्रूनिंग, लेकिन इसको नहीं पड़ती है प्रूनिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी। अपने आप में इतना ज़्यादा खूबसूरत बढ़ जाता है कि एक ब्यूटीफुल सा लुक ले लेता है। इसको मैंने एक मिट्टी के गमले में 8 इंच के गमले में लगा के रखा हुआ, 7-8 इंच का गमला है और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। कोकोपीट सैंड और राइस हस्क के मिक्सचर मैंने इसको लगा के रखा है और मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, तो इस तरह से मैंने इनको लगाया हुआ है। फर्टिलाइज़र में मैं बस वही वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली दे देती हूँ, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है। साथ में मैं इसमें कभी कभी चावल का पानी भी दे देती हूँ, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा, उससे इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है ग्रीन कलर की। तो ये देखिए एक हमारे परफेक्ट बोनसाई तैयार हो चुके हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल बना लीजिए ताकि आपको अच्छा लगे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।